व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। आज है 20 अक्टूबर। आज के बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं। बस आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, जैसे आप लोगों को क्वेश्चन दिखता है स्क्रीन पर, वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और तब उसके बाद में आप लोगों को सोल्यूशन देखना है। इस तरीके से करेंगे तो लंबे समय तक आप लोगों को चीजें याद रहेंगी और जब रिविजन करेंगे तो आप लोगों को जल्दी से रिविजन भी हो जाएगा। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी अपना स्कोर नीचे जरूर लिखेगा कमेंट बॉक्स में, भले ही 0 हो, 1, 2, 3 या फिर कितना भी क्यों ना हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखना है। ये मैंडेटरी है, बिकॉज इससे आप लोगों के अंदर मोटिवेशन आएगा। जैसे आप लोग स्कोर लिखेंगे, अगर कम है तो आगे उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और यहां पर कोई ऐसा नहीं है इज्जत बेइज्जती वाली बात हो रही है, ठीक है? अच्छे से अटेम्प्ट करना है और इंजॉय करना है चीजों को। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। काफी शानदार क्वेश्चन है और त्योहार चल रहे हैं तो त्योहार से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। ये एक त्योहार है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है हमारे पड़ोसी देश भूटान में। नाम क्या है त्योहार का? त्योहार का नाम है यहाँ पर फुलपाती, ठीक है? तो ये त्योहार का नाम है। इसलिए यहाँ पर एक तरीके से नेचर से कनेक्टेड त्योहार है। तो ये बात की जा रही है कि रिसेंटली जो यहाँ पर ये अभी फेस्टिवल है जिसका नाम है फुलपाती, हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड, एक ट्रेडिशन के साथ में सेलिब्रेटेड किया जाता है। किसमें? भूटान में, एक एंजॉय करके आनंद के साथ में। तो कैसे ये स्टेटमेंट? स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर भूटान नहीं है ये, ठीक है ना? ये है हमारा पड़ोसी देश नेपाल, जो कि चाइना का फेवरेट है। तो ये पड़ोसी देश नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है। और कई बार आप लोगों को ये भी देखिए बातें देखने को मिलती हैं, नेपाल और इंडिया के बीच में कल्चर का जो इतना इंटीग्रेशन है, कई बार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खासकर बॉर्डर वाले एरिया में रहते हैं। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये हो गया प्यारा सा नेपाल, ठीक है, छोटा सा नेपाल। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, 5 हमारी कंट्री के स्टेट नेपाल को टच करते हैं। तो एक तरीके से कई सारा कल्चर चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी आसपास वाले एरिया में। मधेसी कम्युनिटी यहाँ पर पाई जाती है नेपाल वाले रीजन में, तो वो भी इसी तरीके से सेलिब्रेट करती है चीजें जिस तरीके से इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारी पोस्ट ऐसी है हमारी कंट्री में जहाँ पर आप लोगों को नेपाली देखेंगे पोस्ट देखने को मिलेंगे पोस्ट में, ठीक है? तो वो भी आप लोग देखते हैं। तो ये बातें कुछ आप लोग याद रख सकते हैं। ये खासकर एक जिस तरीके से हमारे यहाँ पर नवरात्र सेलिब्रेट किया जाता है, तो नवरात्रों के बीच में एक ट्रेडिशन है यहाँ पर, उसमें ये सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें 9 प्रकार की फुलपाती को यहाँ पर घर पर लाया जाता है, ठीक है? तो उसी के नाम पर 9 प्रकार की फुलपाती को घर पर लाया जाता है नवरात्रों की ट्रेडिशन में। तो ये इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसका मतलब समझना यहाँ पर मैंडेटरी हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है फुलपाती, इसका मतलब भी समझेंगे। आंसर है इसका बी। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर ये छोटा सा केले का पेड़ हो गया जिसको यहाँ पर लिया जा रहा है, इसके साथ में एक साथ में इकट्ठा करके। तो समझते हैं यहाँ पर, पहले तो नेपाल में सेलिब्रेट किया जाता है, सही बात है। अब ये जो फूल पाती, इसका नाम रखा गया है, ये फूल का मतलब होता है ओनर, ठीक है ना, जो यहाँ पर ये काम कर रहा है। और पाती का मतलब होता है लीव्स या फिर प्लांट्स। तो यहाँ पर 9 प्रकार के लीव्स या प्लांट्स एक ओनर अपने घर में लेकर आता है इन ट्रेडिशन में। एक तरीके से आपको बोल सकते हैं कि नेचर के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है अपने आप को, ओके? तो ये आप लोग थोड़ा इसको समझ सकते हैं। तो 9 प्रकार के जो हमें आप भी बुलाया, ये नवरात्रि के 7th डे घर पर लाए जाते हैं। इतना 7th डे और क्या याद नहीं रखना है, बस हाँ ये याद रखिएगा नवरात्रों के टाइम पर यहाँ पर ये सेलिब्रेशन किया जाता है। और फेस्टिवल का नाम आप लोगों को याद रखना है, किस एरिया में सेलिब्रेट किया जाता है वो याद रखना है। तो इस तरीके क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ओके? तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जा रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया था यहाँ पर, ये खासकर हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो यह स्वास्थ्य भारत यात्रा, ठीक है? तो एक तरीके की यात्रा निकाली जाएगी पूरी कंट्री में, जिसमें हमारी कंट्री में एक तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाएगी लोगों के लिए कि किस तरीके से आप लोग खाना चाहिए, क्या क्या आप लोगों का एक तरीके से रहन सहन का तरीका होना चाहिए, ताकि आप लोगों की हेल्थ जो है वो अच्छी बनी रहे। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट? हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। और ये नेशनल वाइड कैंपेन है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में चलाया जाएगा, पूरी कंट्री में ये अभियान चलाया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है स्वास्थ्य भारत यात्रा, जो कि यहां पर जो ये रखा जाएगा और पूरे कंट्री में यहां पर फैलेगा, ठीक है? 100 दिन का यहां पर टारगेट रखा गया है, ओके? नेक्स्ट जो बात की जा रही है, कैंपेन जो है यहाँ पर पैन इंडिया साइकिल रैली यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि साइकिल पे लोग बैठकर यहाँ पर जाएंगे। एक तरीके से नेचर फ्रेंडली भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है स्कूटर वगैरह लेकर चलेंगे या गाड़ी वगैरह कोई बाइक वगैरह। तो एक तरीके से साइकिल रैली आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो कि ऑर्गेनाइज कराया गया फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ये एक बॉडी है हमारी कंट्री में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और बात की जा रही है फूड सेफ्टी, यानी किस तरीके से जो हमारी कंट्री में फूड है वो सेफ है कि या नहीं है और क्या उसका स्टैंडर्ड है, उसको डिसाइड करने वाली एक अथॉरिटी है जिसको बनाया गया
था 2011 में। तो ज्यादा पुरानी बॉडी नहीं है यहाँ पर, ये नई ही बनाई गई थी, क्योंकि हमारी कंट्री में खाने को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं है, जो मिलता है खा लेते हैं, बस एक तरीके से जीने के लिए खाते हैं नॉर्मली। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप लोग वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो बहुत कॉन्शियस होते हैं फूड को लेकर, कितनी कैलोरीज ले रहे हैं, कितना आप लोग देखेंगे ये सब जो भी है, कैलोरीज प्रोटीन वगैरह, कितना फैट जा रहा है बॉडी में, इन सब चीजों पर बहुत फोकस रखा जाता है। पर हमारे यहाँ क्या है, बस खाना खाए और सो गए यार, किसी तरीके से खाना मिल जाए। मैक्सिमम जनता इसके इस पैटर्न पर जीती है, ठीक है। और जिसके पास में ठीक ठाक है जिंदगी जीने का तरीका, वो भी सोचता है कि क्या फालतू के झंझट में पड़े, जो चल रहा है चलने दो। तो ये देखने को मिलेगा, तो लोगों को अवेयर कराने के लिए, ताकि जो इस तरह की एक्टिविटी है इससे बाहर निकले, क्योंकि जब जब से टेक्नोलॉजी आ रही है तो लोगों का रहन सहन का तरीका थोड़ा चेंज हो रहा है, और रहन सहन के तरीके की वजह से लोगों का खान पीन का तरीका चेंज हो रहा है, और खान पीने के तरीके की वजह से बहुत सारी बीमारी लग रही है। तो ताकि बीमारी से दूर रखा जा सके, उसके लिए यहाँ पर ही है एक सेफ और हेल्दी फूड एक कंपेन चलाया जा रहा है, जिससे कि लोगों को एक अपना नेचर चेंज करने का एक अवसर मिले, ताकि उनको जानने को मिले कि किससे क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और स्टार्ट कब से किया गया है, ये 16 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया है। 16 अक्टूबर को क्या है, 16 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड फूड डे, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया भी था। तो 16 अक्टूबर से यहाँ पर ये किया जा रहा है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कब से इसको स्टार्ट किया गया है। तो वर्ल्ड फूड डे से इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है आप लोग याद रखिएगा, और हमारी कंट्री में टारगेट भी रखा गया है 2030 तक कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हमारी कंट्री में भूखा लोग सोए। और ऑल ओवर वर्ल्ड का भी अगर आप लोग टारगेट देखेंगे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टारगेट है, उसका भी यही टारगेट है कि किसी न किसी तरीके से भुखमरी को यहां से मिटाना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात की जा रही है गरीबी को मिटाने की बात। अगर आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उठाकर देखेंगे तो वहां पर एक टारगेट है जिसे बात की जाती है पॉवर्टी को मिटाना है, क्योंकि देखिए गरीबी एक तरीके ऐसी महामारी आप लोग बोल सकते हैं, जिसकी वजह से ना तो बच्चों को अच्छी एजुकेशन दी जाती है, ना खाना अच्छा दिया जा सकता है, ना एक ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड कराया जैसे कि वे हेल्दी रह सके वहां पर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर झेलनी पड़ती है ओनली गरीबी की वजह से। और मैक्सिमम अगर वर्ल्ड में कोई भी आपदा आती है, कहीं पर साइक्लोन आता है, सुनामी आती है, अर्थक्वेक आता है, या आप लोग बात करें जैसे कि अभी IPCC की जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से बोला जा रहा है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ जाता है तो मैक्सिमम गरीब जनता ही प्रॉब्लम में फंसेगी, किसानों की पैदावार कम होगी, कई सारी और नई बीमारी निकल कर आएगी। आइलैंड कंट्री है जो, खासकर बड़ी कंट्री नहीं है, छोटी छोटी कंट्री है, वो यहां पर डूबनी स्टार्ट होगी, तो रिफ्यूजी की प्रॉब्लम निकल कर आएगी, जिनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी बोलेंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है हमेशा गरीबों को, तो किस तरीके से उनके ऊपर फोकस दिया जाए, इसको देखने के लिए यहां पर अक्टूबर 18 को यहां पर यह सेलिब्रेट किया जाता है। नाम क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी, यानी कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय डे यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है 18 अक्टूबर। तो क्या ये सही है, तो यहां पर पहले तो आप लोगों को ये डेट पता होना चाहिए। तो डेट क्या है यहां पर, डेट है 17 अक्टूबर, ये 18 अक्टूबर नहीं है। और दूसरी, इस बार की जो थीम है ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बात बहुत की जा रही है कि सबको साथ में लेकर चलना है, खासकर जो छूट गए हैं, इंक्लूसिव सोसाइटी, खासकर यूनिवर्सल ह्यूमन राइट और यहाँ पर डिग्निटी को फोकस देकर चलना है। देखिए अगर कोई गरीब है ना, एक तरीके से उसको लोग जनता, अगर कोई एक था, दो इंसान ले लीजिए, एक है कोई ए वो काफी अमीर है, और दूसरा है कोई बी ये काफी गरीब है। अगर इन दोनों को आप लोग वैसे देखेंगे ना, तो जो ए है जो थोड़ा अमीर है उसको ज्यादा रेस्पेक्ट दी जाएगी, भले ही ये कितना भी ईमानदार क्यों ना हो। ये सोसाइटी में आप लोगों का नेचर देखने को मिलता है, तो जो कि ये गलत बात है। भले ही वो ए कितना भी अमीर क्यों ना बनाओ, भले ही कितना भी बेईमानी करके अमीर क्यों ना बनाओ, पर लेकिन ज्यादा रेस्पेक्ट इसी को दी जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सोसाइटी में इस तरीके की जो चीजें हैं ये ह्यूमन राइट और लोग की डिग्निटी को भी हार्म करती हैं। तो इन सब चीजों को साइड में रखने की बात की जा रही है और गरीबी को मिटाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 17 अक्टूबर है ये, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, आंसर हो गया बी यहां पर। और एक बात और यहां पर बोलना चाहूंगा आप लोगों को, एक कनेक्शन यहां पर नजर आएगा अगर बात करते हैं यहां पर गरीबी की और ह्यूमन राइट की। मैक्सिमम ह्यूमन राइट का हनन उन लोगों का आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा जो कि मैक्सिमम गरीब लोग हैं। अगर आप लोग अमीर लोग को देखें तो वो अपना एंजॉय करते हैं लाइफ को शानदार तरीके से। इसीलिए यहां पर यह भी बात की जा रही है कि एक कनेक्शन है यहां पर जो पॉवर्टी है और ह्यूमन राइट है। अगर पॉवर्टी को आप लोग हटाते हैं, गरीबी को हटाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोगों के जो ह्यूमन राइट का हनन होता है वो भी आप लोग उसको होने से बचाते हैं, यानी कि एक अच्छी लाइफ इंसान जी पाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के सोसाइटी में। ये कहने का मतलब है सीधा सीधा, ठीक है। तो ये कुछ बातें आप लोग याद रख सकते हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये अभी रिसेंटली हो चुकी है यहाँ पर एशिया यूरोप मीटिंग। तो एशिया और यूरोपियन कंट्री आकर मिलती है यहाँ पर और कई सारे चीजों पर फोकस देते हैं, जैसे पॉलिटिकल हो गई, पॉलिटी हो गई, सिक्योरिटी हो गई, इकोनॉमी, फाइनेंस, या फिर सोसाइटी, कल्चर, एजुकेशन। तो ये कुछ पिलर हैं जिनके ऊपर ये डिस्कस करते हैं किस तरीके से सब मिलकर साथ में रह सकते हैं, खासकर एशिया और यूरोप में लोग आपस में कैसे मिलकर रह सकते हैं, ठीक है ना।
तो अगर बात करें एशिया, ये वाला कॉन्टिनेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और यूरोप आप लोगों को ये वाला कॉन्टिनेंट। तो ये दो कॉन्टिनेंट के यहाँ पर लोग जो है खासकर लीडर आकर मिलते हैं और कई सारी बातों पर फोकस देकर चलते हैं। तो ये अभी ब्रसेल्स बेल्जियम में आप लोगों को देखने को मिली। तो क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि ये 10th नहीं है, याद रखिएगा ये 12th है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर भी याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर नंबर ही चेंज किया है, वरना मैं चाहता तो यहाँ पर कंट्री भी चेंज कर सकता था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये नंबर यहाँ पर चेंज किया गया है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो कौन से नंबर की है ये अभी 10th नंबर की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें हमारी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू जी यहाँ पर इसको अटेंड करने जा रहे हैं। ओके, आप लोगों को ये बताना है, ये हर दो साल में आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहली 2016 में हुई थी ये उलन बतार मंगोलिया में, हुई थी 2014 में ये हुई थी इटली में, अब की बार जो नेक्स्ट वाली होने वाली है वो होगी 2020 में। ये कहाँ पे होगी, ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये आप लोगों को जाकर सर्च करना है, थोड़ा सा इसमें हिम्मत दीजिएगा, पता होना चाहिए आप लोग कुछ बातें। तो ये है आप लोगों के सामने। ठीक है, थीम क्या है यहाँ पर? थीम ये है ग्लोबल पार्टनर्स फॉर ग्लोबल चैलेंजेस। ग्लोबल चैलेंज क्या आज के डेट में? जैसे पॉवर्टी हो गया, ठीक है, टेररिज्म की एक्टिविटी हो गया, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें हो गई, या कोई भी ऐसी चीज होगी जो कि यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड पे एक साथ इंपैक्ट डालती है, तो वो सारे चैलेंजेस जो भी है ग्लोबल लेवल के, साइबर अटैक हो गया, आप लोग साइबर अटैक भी ले सकते हैं, तो इन सबको किस तरीके से यहां पर सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, ये है इस बार की थीम। काफी इंपॉर्टेंट है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां पर है ये है मैन बुकर प्राइज के बारे में। ठीक है, तो मैन बुकर प्राइज यहां पर दिया जाता है यूके के द्वारा, और अब की बार का जो मिला है यहां पर एक महिला को मिला है, जो कि एक आयरिश यानी कि आयरलैंड की रहने वाली महिला है, नाम है अन्ना बोन्स, तो इनको यहां पर मिला है। और इनकी किताब याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट किताब है, किताब का नाम है मिल्कमैन। ये मिल्कमैन है, वहां पर वॉयलेशन की एक कहानी सुनाता है यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके बारे में यहाँ पर ये बात की गई है। तो इसके ये जो है यहाँ पर बोला जा रहा है सेकंड वुमेन है, अगर आयरलैंड की बात करें, नहीं, ये फर्स्ट वुमेन यहाँ पर बनी है जिनको ये मिला है, और 2013 के बाद में, अब 2018 में एक महिला को ये दिया गया, तब इसके बीच में किसी भी महिला को ये नहीं मिला है। ठीक है, ये तो बात याद रखनी है। इसके साथ में फर्स्ट वुमेन है, 2013 से अब तक नहीं मिला है। इसके अलावा नो बोन्स एक इनकी ये किताब है, और लिटिल कंस्ट्रक्शन दूसरी इनकी ये किताब है। ठीक है, ये भी इनकी किताब आप लोग याद रखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है बैकग्राउंड की जाकर आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती है जो कि नॉर्मली न्यूज में नहीं रहती है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। मिल्कमैन तो भूलनी नहीं है, क्योंकि इसको अवार्ड मिल गया है, तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है यूथ ओलंपिक, जो कि आप लोगों को देखने को मिले 2018 के अर्जेंटीना में ब्यूनस एरिस में आप लोगों को देखने को मिले, और हमारी कंट्री के द्वारा काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दी गई। हमारी कंट्री के आकाश मलिक जो कि हरियाणा से के रहने वाले हैं, इनके द्वारा फर्स्ट सिल्वर मेडल जीता गया आर्चरी, यानी कि जो धनुष बाण होता है इसमें यहां पर इनके द्वारा फर्स्ट सिल्वर मेडल जीता गया इंडिया की साइड से। स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड यहां पर स्टेटमेंट है, ये बात की जा रही है मनु भाकर ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनके द्वारा यहां पर गोल्ड जीता गया। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक शूटर है ये। ठीक है, जिनके द्वारा यहां पर ये जीता गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ रहता है किस गेम से रिलेटेड है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर बिल्कुल सही है, आंसर हो गया सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, यहां पर अभी बात की जा रही है कौन सी इंडियन कंपनी ऐसी है जो यहां पर अभी लिस्ट जारी की गई है, टॉप 25 लिस्ट में से 2000 एम्प्लॉय रिलीज बाय फोर्ब्स। तो ये यहां पर लिस्ट जो जारी की गई है इसमें कौन सी इंडियन कंपनी है टॉप पे? ठीक है, तो ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन। तो टॉप पर यहां पर है लार्सन एंड टुब्रो, जिसको आप लोग LNT भी बोलते हैं। नॉर्मली ये कंपनी आप लोगों ने देखी होगी, मेट्रो के अगर कहीं पर प्रोजेक्ट होते हैं तो वहां पर LNT करके आप लोगों को ऐसा लिखा हुआ दिखेगा वहां पर। ठीक है, L यहां पर थोड़ा ऊपर रहता है और T यहां पर ऐसे रहता है और ये गोला रहता है, इस तरीके का लोगो आप लोगों को नजर आएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन की कंपनी कई सारे एरिया में आप लोग करती हुई नजर आएगी काम, और खासकर अगर बात करें यहां पर इसके बारे में, ये एक इसका जो बनाई गई थी ये अंग्रेजों के टाइम पर बनाई गई थी लगभग 1938 में, और ये इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को मुंबई में नजर आएगा। ठीक है ना, डेनिस इंजीनियर के द्वारा इसको फाउंड किया गया था, ये इंडियन कंपनी है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। काम किस किस फील्ड में करती है? इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विस, बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कराती है। बाकी ये कंपनी भी यहां पर है जिनके नाम आप लोगों के सामने है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा इस लिस्ट में, पर टॉप इसके द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट, जिसको NCPCR बोलते हैं हम लोग। बात की जाती है यहाँ पर चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने की, तो उसके जो चाइल्ड के जो राइट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की, तो उसकी नई अभी चेयरपर्सन यहाँ पर बनाई गई है जिनका नाम है प्रियांक कानून गो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर महिलाओं के बारे में जिक्र किया जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला किसान दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री में, तो ये किया जाता है 15 अक्टूबर को, क्योंकि देखिए हमारी कंट्री में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर आप लोगों को जो महिलाएं हैं वो काम करती हुई नजर आएंगी एज ए फार्मर, एज ए किसान, तो किस तरीके से उनको हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा दें ताकि वो महिलाएं हैं उनको वहां पर कंफर्टेबल फील हो, अगर वो कोई किसानी का काम भी कर रही है, यानी कि अगर किसान का काम भी कर रही है, वो किसान भी बन रही है, तो उनको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, फर्टिलाइजर आराम से मिल जाए, इरीगेशन की फैसिलिटी आराम से हो, कुछ अगर खेतों में बोया जा रहा है मार्केट में उसको आसानी से जाकर बेच सके, इस तरीके से उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराने की बात की जाती है, प्रमोट और सपोर्ट करने की बात की जाती है यहां पर ऐसे दिन सेलिब्रेट करके, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका निधन हो गया है, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी, तो ये इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये माइक्रोसॉफ्ट से भी कनेक्टेड थी, इनके बारे में क्वेश्चन पूछने के चांसेस काफी ज्यादा है, बिल गेट्स के मित्र आप लोग इनको बोल सकते हैं, पर्सनैलिटी का नाम है पॉल एलन, ठीक है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है, कौन से स्टेट के द्वारा भी 3% यहाँ पर सब कोटा डिसाइड करने की बात की गई है, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं, जो स्पोर्ट पर्सन होते हैं इनके स्टेट में, उसको यहाँ पर देने की बात की जा रही है 3% कोटा रिक्रूटमेंट जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट जॉब में, तो कौन सा ये स्टेट है ये आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी ये तो आसान सा क्वेश्चन था, ये तो आप लोग कई बार पढ़ाया जा चुका है, जो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बना है वर्ल्ड का, ठीक है, तो ये कौन है, ये है हमारी कंट्री का सिक्किम, तो इसको तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए था। और देखिए कल आप लोगों की वीडियो जल्दी आ गई थी, तो ये इसलिए था क्योंकि आप लोगों का फेस्टिवल था, तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी दे दिया, बाकी आप लोगों का टाइम भी शाम का ही है, अगर कोई चेंज करना होगा तो अभी थोड़ा कई सारे चेंजेस मेरे माइंड में आ रहे हैं रिसेंटली, अभी आगे आप लोगों को उसके बारे में बताया जाएगा, तो वो भी आगे आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा उसके बारे में पहले ही, तो अभी है फिलहाल यही शेड्यूल, जब चेंज होगा मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखें। बाकी अगर लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मिल जाएगा, तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।